बताइए। एक समय की बात थी, एक नन्हा और प्यारा कबूतर एक जंगल में रहा करता था, लेकिन वो ऐसे जीव से डरता था जो इस जंगल के राजा थे। कौन? दो राजा से डरता था। कौन थे दो राजा? कौन थे दो राजा जंगल के? शेर, बाघ। और वह बल्कि चील से भी डरता था। तो एक दिन क्या हुआ, बल्कि जितने भी डेंजरस एनिमल थे, बल्कि वो बहुत खतरनाक थे, लेकिन वो बहुत फ्रेंडली थे। वह कबूतर के टीम में थे, और जबकि कबूतर सबसे कहता था, अरे मेरे नन्हे दोस्त, मेरी मदद करो उन शेर और बाघ और चील से बचने की, नहीं तो वो कभी भी मेरा शिकार कर देंगे। तो ये बात हाथी ने सुन लिया, खरगोश ने। दोनों के कान तो गणपति जैसे होते हैं ना, तेज। हाथी, क्योंकि हाथी और खरगोश ही ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इंसानों की बात आसानी से सुन सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो जब खरगोश ने ये सुना, हाइना ने भी सुना, उन तीनों ने एक प्लान बनाया। और हाइना ने हाथी से कहा, हाथी भैया, आपको पता है एक कबूतर हमारी टीम में है, और हम उसकी कोई मदद नहीं करे, और वो हमारे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे उस शेर, बाघ और उस बाज और उस चील से बचा दो प्लीज, लेकिन हम उसकी मदद ही नहीं कर रहे, तो क्या ये गलत है हाथी भैया? तो हाथी ने कहा, हाइना भैया, तू तो सही कहता है, हमें तो कबूतर को बचाने की कोई कोशिश करनी होगी। हाइना कहता है, हाँ तू सही है, हमें कबूतर को बचाने की योजना लगानी होगी, नहीं तो बस शेर, बाघ और चील कभी भी उस कबूतर को टुकड़े टुकड़े करके खा जाएंगे। तो हाथी, खरगोश और हाइना ने मिलकर योजना बनाई, और कबूतर सडनली अचानक से आया और कहा, गुटरगू, वो ना उस जो जिस कबूतर को शेर, बाघ और चील खाना चाहते थे, उस कबूतर का दोस्त आया और गुटरगू करते हुए कहा, गुटरगू, अरे आज क्या न्यूज़ है मेरे दोस्त के बारे में? आज तो कोई शिकारी के जाल में फंस गया है, कोई तो मदद करो। तो हाइना ने कहा, सुनो, जिस कबूतर को वो शेर, चील और बाघ खाना चाहते हैं, वो तो एक शिकारी के जाल में फंस गया। खरगोश ने कहा, हाँ तुम सही हो, लेकिन खरगोश का नाम पता है क्या था? रिटर्न। तो रिटर्न ने कहा, हाँ सही कहते हो, लगता है हमें उस कबूतर की मदद करना चाहिए जो हमारे टीम में है, वो हमें बहुत अच्छा इनाम देता है जब हम उसकी मदद करते हैं, लेकिन हम दो दिन से उसकी क्यों ही मदद नहीं कर रहे। चलो इस पर ऐसी योजना बनाते हैं कि वो आज से उस शिकारी के जाल से ही आजाद हो जाए। तो कबूतर के दोस्त ने कहा, गुटरगू, थैंक यू रिटर्न, तू तो अच्छी है। रिटर्न ने कहा, अच्छा ठीक है, अपने दोस्त के पास जा और शिकारी को इतना चोंच मार कि वो जिंदगी भर याद रखे कि किसी कबूतर को मारना अपमान होता है। तो उस कबूतर के दोस्त ने कहा, ठीक है रिटर्न, मैं जाके उसे इतनी चोट मारूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा कि कबूतर को मारना अपमान होता है। तो वो गया और शिकारी को मारने कि वो जिंदगी भर याद रखे कि कबूतर को मारना अपमान होता है, क्यों होता है ना, बल्कि तो किसी एनिमल को नहीं मारना चाहिए। चाहे अब जेब्रा, एलिफेंट, हिरन, रेनडियर को मारिए, ये भी अपमान होता है। बताइए, आज आप मुझे चीज बताइए, क्या हमें किसी एनिमल को मारना चाहिए जो हमारे बस का नहीं होता? उसे मारना अपमान होता है। मुंह से बोलिए क्या उसका, एक बात बताइए, मुंह से बोलिएगा कि हमें किसी एनिमल को मारना चाहिए? नहीं मारना चाहिए। अगर मारेंगे तो क्या होगा? तो ये अपराध बोध है। तो कबूतर को मारना भी अपराध बोध। कहानी एंड करें? नहीं, फिर नहीं कहानी करेंगे, अभी हुई नहीं है।
अच्छा। तो एक दिन जब उन्होंने योजना तैयार करके रखी थी तो उसने तो सबने शिकारी को कहा, भाई हमारे दोस्त को छोड़ दो, वो बेचारा एक बाघ और चील शेर से बचना चाहता है। तो शिकारी ने कहा, उसे दया आई और कहा, अच्छा ठीक है मैं उसे छोड़ देता हूँ, मैं जाला अपनी तलवार से काट देता हूँ, अपनी तलवार से नहीं गन से काट देता हूँ, मैं जाले पे निशाना लगाऊंगा और काट दूंगा जाला, और फिर वो कबूतर आराम से फ्री होकर चला जाएगा और मैं शेर चील और बाघ के लिए एक जाल बचा के रख दूंगा। जब वो दोनों सोएंगे ना तो मैं उन पे वो जाल बिछा दूंगा, तो वो कभी भी कबूतर को तंग नहीं कर पाएंगे। तो रिटर्न ने कहा, अच्छा थैंक यू, अब मैं घर जाता हूँ। नहीं मैं तो मैं कबूतर के दोस्त के पास जाता हूँ और उससे डिस्कस करने जाता हूँ। शिकारी ने कहा, ठीक है बाय बाय। उसने कहा, ओके बाय शिकारी। जब वो तीन जीव पकड़ में आए तो शेर बाघ और चील ने कबूतर के पैर छू के कहा, भाई दोस्त हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत मारने की कोशिश की, इस बार तो इस शिकारी ने ही हमारा मार दिया, अब तो तुम बच गए, ठीक है अब तुम जा सकते हो, अब हम जिंदगी में याद रखेंगे कि किसी कबूतर को मारना ही अपमान होता है, जाओ अपने घर जाओ। कबूतर ने शेर चील और बाघ को आजाद करके अपने घर भेज दिया और खुद भी घर चला गया। दी एंड। बहुत सुंदर स्टोरी, ग्रेट स्टोरी एक्चुअली।